Hello students, how are you? Today we will discuss about class fifth English, the second chapter Alibaba and the Forty Thieves. In the previous video, we discussed about the chapter. Listen carefully. So hope all of you listen carefully. So today we will discuss about long question answers. First of all, Alibaba. What did Alibaba see as he peered out from behind the rogue? अली बाबा ने चट्टान के पीछे से एकदम क्या देखा अली बाबा पियरिंग आउट इन अमेजमेंट अली बाबा बहुत ही हैरानी से देखने लगा ही सा द रोक ओपन अप फुली चट्टान एकदम से खुल गई होल गैंग्स ऑफ द रोबर्स वर इन साइड एंड रोक क्लॉस्ट बिहाइंड दैम जो चोरों का गिरोह था वो चट्टान के अंदर चला गया तो फिर चट्टान बंद हो गई अली बाबा रिमेन हिडन एंड आफ्टर वाहिल द रोक ओपन अप अगेन आउट कम फ्रॉम द रोबन अली बाबा तब तक छुपा रहा रिमेन हिडन एंड आफ्टर वाइल द रोग जब तक चट्टान दोबारा से खुली नहीं और चोरों का गिरोह उसमें से बाहर नहीं आया अली बाबा मेड नो अटैम्प्ट टू मूव फ्राम हिज हिडिंग प्लेस अली बाबा ने वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं की वैन ऑल द फोर्टी थिव कम आउट ऑफ के अली बाबा वॉज अ फ्रेड टू मूव ही वॉज अ फ्रेड टू ब्रेथ जब चालीस चोर उस गुफा से बाहर आए तो अली बाबा बहुत ज्यादा डर गया और अली बाबा सांस लेने में भी बहुत ज्यादा डर रहा था देन सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिट अली बाबा डू वैन द हॉर्स मैन रोड अवे अली बाबा ने तब क्या किया जब घुड़सवारी चली गई अली बाबा वेटेड अंटिल द हॉर्स मैन हैड रिडन फॉर अवे फ्रॉ अक्रोस द डेजर्ट अली बाबा ने तब तक इंतज़ार किया जब तक घुड़सवारी वहाँ से मरुस्थल से दूर नहीं चले गई वैन ही वॉज श्योर दैट देवर वेल आउट ऑफ साइट एंड वुड नॉट टर्न बैक देन ही लेफ्ट इज हिडिंग प्लेस जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि वो वहाँ से चले गए हैं वह तब तक अपने छुपने वाली स्थान तक बना रहा ही वॉज वेरी curious टू नो वट वॉज inside द rock, और वह यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि उस चट्टान के अंदर क्या है ही वेंट अप टू द लार्ज रॉक एंड सेट ओपन सी सेम टू हिज ग्रेट सरप्राइज द रॉक इमीडिएटली ओपन तो वह बड़ी चट्टान के पास गया और उसने कहा खुल जा सिम सिम तो यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात थी जब रोक पूरी तरह से खुल गई वट हैप्पन टू अली बाबा आफ्टर लेफ्ट द ऑइसीज तब क्या हुआ जब अली बाबा ने रेगिस्तान को छोड़ दिया अली बाबा वेंट बैक टू हिज सेटलमेंट वह अपने घर चला गया वेअर ही लिव्ड इन अ हम्बल अबाउट विद हिज फैमिली जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता था ही बिकम अ रिच मैन ओवर नाइट वह रातों रात ही बहुत अमीर बन गया ही हैड मोर देन इनफ टू लिट अ कम्फर्टेबल लाइफ टिल द एंड डेज ऑफ हिस लाइफ तो उसके लिए अब जीने के लिए बहुत पर्याप्त धन था ही डिड नॉट नीड टू कट वुड फॉर अ लिविंग तो उसे अब जीने के लिए लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं थी ही यूज द मनी गॉट फ्रॉम द ट्रेजर टू हेल्प ऑल हीज फ्रेंड्स इन need, तो वह उन पैसों से जो उन्हें चोरों से चुराई थी अपने मित्रों की सहायता करना चाहता था सो so नाउ we discuss अबाउट हु सेट दीज वर्ड्स टू होम यह शब्द किसने किसको कहे? Open सी सिम खुल जा सिम सिम The leader of the gang said these words to the rogue, जो चोरों का सिपाही था उसने यह शब्द चट्टान से कहे hare follow me। यह शब्द किसने किसको कहे The leader of the gang said these words to the robbers, चोरों के सिपाही ने यह शब्द चोरों से कहे Let's get out of this place as fast as we can। जितनी जल्दी हो सके हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए अली बाबा सेट दिज वर्ड्स टू हिज डॉकी अली बाबा ने यह शब्द अपने डॉन्की से कहे नाउ कंप्लीट द सेंटेंस ही इमिडिएटली हिट हिमसेल्फ बिहाइंड द फ्यू रॉक्स उसने तुरंत ही अपने आप को कुछ चट्टानों के पीछे छुपा लिया अली बाबा वेटर अली बाबा वेटर अंटिल द होर्स मैन हैड रिडन फॉर अवे अक्रॉस द डेजर्ट अली बाबा ने तब तक इंतजार किया जब तक घुड़सवारी मरूस्थल से दूर नहीं चली गई ही लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली एंड अमंग हिज फ्रेंड्स वह खुशी खुशी अपने परिवार और अपने मित्र के साथ रहता था सो थैंक यू स्टूडेंट्स सो टूम विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज लिसन केयरफुली एंड रीड एंड राइट ऑन योर नोट बुक्स हैव अ नाइस डे